गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल या डाटा मितेश क्लासेस में हम सभी का स्वागत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स के 5 AM पे आप सभी का स्वागत है। एक मोटिवेशनल टॉक करना चाहते हैं। कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को उसके लिए दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया रानी से कि घोंसला कैसे बनता है, उसके लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब कभी भी आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देख करके मेहनत करो, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए आज जो है करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे हम आज जब करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है एलॉन मस्क है ने कितने बिलियन डॉलर में ट्वीट का अधिग्रहण किया है, तो एलॉन मस्क जिनकी कंपनी है स्काईलाइन, उन्होंने क्या किया है, ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है 44 बिलियन डॉलर में। इस समय ट्विटर के जो CEO हों उनको पराग अग्रवाल, जो भारत के रहने वाले थे, उनको हटा करके वहाँ पर नियुक्ति किसकी की है, इन्होंने नियुक्ति की है खुद। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी, ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ के मुख्यमंत्री हैं CM योगी आदित्यनाथ और जहाँ की राज्यपाल हैं गवर्नर आनंदीबहन पटेल। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया, ये उड़ीसा सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और जब बात करते हैं वहाँ के गवर्नर, तो जहाँ के गवर्नर आपके गणेशी लाल हैं। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है JY Lee को नियुक्त किया गया है सैमसंग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है भारत के किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास किया है, ये भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है। अब बात सिंगापुर की आ जाती है, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसके बाद छठा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है, तो ये किया है हरियाणा सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। जब बात करते हैं वहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर वहाँ के हैं बंडारू दत्ता त्रेय। इसके बाद जब अगली स्लाइड पे आते हैं, तो जैसे प्रश्न है आपके 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, ये आपका प्रश्न है कि 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा वो फिजी करेगा। फिजी जिसकी राजधानी सुबा है, राजधानी सुबा है और जहाँ की मुद्रा है फिजी डॉलर। इसके बाद 8वां प्रश्न है पियरे सोलेजस का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध पेंटर थे। इसके बाद 9वां प्रश्न है राजस्थान राज्य के नए DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया, यह है उमेश मिश्रा। जब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान के CM अशोक गहलोत और जहां की बात करते हैं जहां के राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्रा। जब बात राजस्थान की आती है, तो जहां का भीतर करंका लेक नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, जहाँ पर आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व हिल्स, ये सब राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का कौन सा बना है, हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अटलांटा के अंदर पड़ता है। इसका नाम है हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 10वां नंबर क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेबल वैक्सीन लॉन्च किया, ये आपका होगा चाइना। जब बात चाइना की आती है, तो जहाँ की आपकी राजधानी है, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, और जहाँ की करेंसी क्या है, रैनमिनबी यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। अब बात कर लेते हैं कुछ देशों के बारे में और कुछ स्टेट्स के बारे में, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब बात जैसे सिंगापुर की हम कर रहे थे, आया था सिंगापुर का जिक्र,
तो सिंगापुर की राजधानी होती है सिंगापुर सिटी, और यहाँ की जो भाषाएं होती हैं अंग्रेजी हो गई, मलय हो गया, चीनी, तमिल। लगभग 8% 35 लाख यहाँ की आबादी है सिंगापुर की, जिसमें 8% चाइनीज़ और मलय लोगों का निवास है। यहाँ के निवासियों को सिंगापुरी कहा जाता है। अब राष्ट्रपति यहाँ के सेलेपन रामनाथन, और यहाँ के प्रधानमंत्री ली सियांग लोंग, और संसद वक्ता अब्दुल्ला तुरमंगी, चीफ जस्टिस चोंग सेंग क्योंग। इसकी स्थापना होती है 29 जनवरी 1819 को, और स्वशासन 3 जून 1969 को। यूनाइटेड किंगडम से ये अलग हुआ था 31 अगस्त 1963 को, और मलय देश में इसका विलय हुआ था 16 सितंबर 1963। तो एक कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी किसके बारे में, सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर क्योंकि सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर, या सिंगापुर सिटी जिसको कहते हैं। इसके बाद अगली नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो बात करते हैं आपका यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था जब, अलग 1916 में, मलय देश में विलय 1963 में, मलेशिया से अलगाव 9 अगस्त 1965 को। और जब बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल की, 710.2 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ये HIT इंडेक्स 2013 की जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 9वां स्थान था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आते हैं तो बात करते हैं आपकी यहाँ की फिजी देश के बारे में बात करें। यहाँ की मुद्रा सुआ है, अंग्रेजी बाउंड फिजी, यहाँ पे हिंदी है। फिजी यहाँ के निवासी को कहा जाता है। सबसे पहली यहाँ सैनिक नेतृत्व के साथ अनिर्वाचित जन सरकार है, सैनिक नेतृत्व है यहाँ पर, सेना का कब्जा। फिजी की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति जियाजो कोनेत हैं, प्रधानमंत्री कोमेरेंडन जोसिया फ्रांक बेई मारामा। यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था 10 अक्टूबर 1970 को। यहाँ पर बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल 8274 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बात करते हैं हम कि आपका उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पुरी है, मुक्तेश्वर मंदिर है, भितरकनिका, राष्ट्रीय धौलागिरी, चिल्का लेक है, यहाँ की जगन्नाथ मंदिर है, राजा रानी मंदिर है, महानदी है, हीरा कुंड बांग है, खांडार जलप्रपात है, कोणार्क मंदिर है। और जब बात करते हैं हे मात कल मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे उत्कल जननी, ये उड़ीसा का प्रमुख क्या है, गान है। इसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड पे आपके आते हैं कि बात उड़ीसा की राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर हो जाती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, कटक से अलग होकर के। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी, सबसे बड़ा शहर ही है, 30 जिले हैं टोटल। और सभा क्या, उड़ीसा सरकार, जहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, विधानमंडल 1 सदनी है। उड़ीसा में 147 विधानसभा की सीटें, संसदीय क्षेत्र 21 सीटें आपकी लोकसभा की, और 10 सीटें राज्यसभा की। यहाँ का उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि 8वां आपका राज्य है। अगर बात करते हैं कुल क्षेत्र पर, ये आपका 155,707 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद जब आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो आपकी बात करते हैं हरियाणा, भारत के अंदर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, टोटल 22 जिले हैं, करनाल और फरीदाबाद प्रमुख ज़िले हैं। और यहाँ की सभा हरियाणा सरकार, जहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जब बात करते हैं विधानसभा की, 1 सदनी है, 90 सीटें हैं, राज्यसभा 5 सीटें, लोकसभा 10 सीटें। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है, जहाँ के हम एरिया के हिसाब से बात करते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो जैसे जयपुर के बारे में बात कर रहे हैं भारत के अंदर, तो जयपुर की, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सबसे प्रसिद्ध शहर बीकानेर है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। राजस्थान सरकार, जहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है, विधानमंडल 1 सदनी है, और राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें। उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है, और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य होता है पूरे भारत के अंदर राजस्थान। इसका क्षेत्रफल जब बात करते हैं
तो इसका क्षेत्रफल होता है 342,239 वर्ग किलोमीटर। पहला स्थान है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये कुछ वीडियो आज की इम्पोर्टेंट वीडियो थी आज के करंट अफेयर्स पर। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार, इस यूट्यूब चैनल या डाटा विदेश क्लासेस पर बनाए रखिए और मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।